कायरो दो पार्ट में बटा है, एक पुराना कायरो और एक नया कायरो। बिल्कुल मड की बिल्डिंग से भाई, ये रहा 200 इजिप्शियन पाउंड का। अभी चलते हैं हम लोग यहाँ पे खैल खलीली मार्केट को घूमने। हेलो, मतलब मार्केट में ना रोड पे वगैरह ये ऐसे चेयर वगैरह डाल के रखते हैं। यू लाइक शाहरुख खान? शाहरुख खान माय नेम इज, जस्ट आई एम रिकॉर्डिंग, लेटर आई विल कम बैक। आई एम फ्रॉम इंडिया। गुड इवनिंग गाइज, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल द इंडो ट्रैकर। और अभी मैं हूँ दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। यहाँ से एक नई कंट्री की जर्नी शुरुआत होने जा रही है अपनी, वो कंट्री है अपनी इजिप्ट। इजिप्ट के लिए भाई आपको इतने लपड़े होंगे यहाँ पे इमिग्रेशन क्लियर करने में, और बोर्डिंग पास में एयरलाइन वाले, इमिग्रेशन वाले सब कुछ लपड़े करेंगे। तो अभी चल के और आपको आराम से बताऊंगा कि आपको कैसे क्या आना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या फॉर्मेलिटीज है, सारी फॉर्मेलिटी बताऊंगा। कैसे आपको वीज़ा लेना है, कैसे गारंटी लेटर लेना है। नहीं, बारिश हो रही है बाहर भाई, ये देखो बाहर बारिश हो रही है। यहाँ पे कितनी बड़ी प्रतिमा लगा रखी है। तो हम लोग पहुंच गए अपना जो गेट है ना 22B, वो रहा 22B। यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी लोग बैठे हैं। ये वैसे शारजा जा रही है फ्लाइट, शारजा में फिर 2 घंटे का लेओवर है, और फिर उसके बाद मेरी फ़्लाइट है इजिप्ट के लिए 2 घंटे बाद शारजा से। तो हम लोग बैठते हैं यहाँ पे पीछे और यहाँ पे फुर्सत में बातें करते हैं आप लोगों से। तो भाई देखो, अब एक एक चीज़ बताता हूँ आपको। सबसे पहले आता है इजिप्ट का वीज़ा। इजिप्ट है जो वीज़ा ऑन अराइवल नहीं है, डेंस के लिए ई वीज़ा है। आज मैंने अप्लाई किया तो कल मेरे को वीज़ा मिल गया, और इसका जो कॉस्ट लगभग 2700, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लगभग 2700 रुपये के लगभग था। फिर उसके बाद आपको चाहिए गारंटी लेटर। गारंटी लेटर बहुत सारे लोगों से मांगते हैं, बहुत सारे लोगों से नहीं भी मांगते। ठीक है, मेरे से मांगा गारंटी लेटर, मांगा और रिटर्न फ्लाइट मांगी, होटल बुकिंग मांगी, सब कुछ मांगे भाई साहब। तो गारंटी लेटर का सीन ये है कि वहाँ पे बहुत सारी टूर एजेंसीज है, टूर कंपनीज है, उनके थ्रू आप गारंटी लेटर ले सकते हैं। गारंटी लेटर का मतलब ये होता है कि आप इतने दिन के लिए वहाँ घूमने जा रहे हैं, उस बंदे की गारंटी है, आप लोग उस बंदे के साथ घूमोगे, इस दौरान कुछ भी होता है तो वो बंदा रिस्पॉन्सिबल होगा। सीधी सी बात यह है गारंटी लेटर की। तो गारंटी लेटर मुझे मिला $45 में। उसके बाद बात करते हैं फ़्लाइट का। इंडिया से जो फ़्लाइट है जो मैं आपको 15-16 हज़ार में मिल जाएगी वन वे, तो लेकिन मैंने जो बुक किया था ना वो था 21,000 का। उस टाइम सस्ता नहीं था यार, मैंने बुक किया था। और वापसी का फ़्लाइट बहुत सस्ता है भाई, इजिप्ट से इंडिया के लिए वापसी का फ़्लाइट 12,000, 11,000, 13,000 मैक्सिमम, इतने में आपको वापसी का फ़्लाइट मिल जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं इजिप्ट। आज मेरी मतलब मैं रात को 1:30 बजे इजिप्ट पहुंचूंगा। अभी यहां से 6:30 बजे फ़्लाइट है दिल्ली से। और हाँ, ये $35-45 जो मैंने बताया ना गारंटी लेटर के, इसमें वो बंदा आपको एयरपोर्ट से पिक भी करेगा और आपकी होटल को भी छोड़ेगा। अभी हमारी यहां से बोर्डिंग होने वाली है, और भीड़ देखो भाई कितनी भीड़ है एयर अरेबिया एयरलाइन के लिए। दुबई जाने वाली, वैसे भीड़ बहुत होती है दुबई जाने वाली एयरलाइन में। ये देखो, और ये देखो पीछे देखो भाई कितना भीड़ है। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं जो ये शारजा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यहाँ पे एयर अरेबिया की एक बात बता दूँ आप लोगों को, उसमें है जो आपको ऐसा फूड वगैरह कुछ नहीं मिलने वाला है, बस केवल सीट मिलेगी आपको, खाना पीना कुछ नहीं। अभी यहाँ से फिर से 9:45 बजे फिर से बोर्डिंग है अपनी कायरो के लिए, कायरो के लिए, और मैं कायरो पहुँचूंगा रात में 1:30 बजे। और ये जो शारजा का एयरपोर्ट है ना भाई, वो कोई खास नहीं है भाई। सो गाइस, ये है शारजा का एयरपोर्ट। यहाँ पे मैक्सिमम आपको जो फ्लाइट्स है ना वो एयर अरेबिया की मिलेगी। एयर अरेबिया शारजा के एयरपोर्ट से ही ऑपरेट होती है। तो ये हम लोग जाने वाले हैं अभी इस फ्लाइट में। तो भाई अभी यहाँ पे मॉर्निंग का बजा है लगभग 2:30 बज गया है यहाँ पे, लगभग 1:30 बजे हमारी फ़्लाइट लैंड हुआ, और इमिग्रेशन वगैरह सब हो गया है। आप ये जो मैंने आपको बताया था ना गारंटी लेटर के बारे में, वो आपको एयरपोर्ट पिक करने आते हैं। तो अभी मुझे होटल छोड़ेंगे, और होटल यहाँ से पता नहीं ज़्यादा दूर नहीं है, सिटी सेंटर मेरा होटल है। तो ये इमिग्रेशन वगैरह ये कहानी वगैरह बाद में बताता हूँ, यहाँ की एयरपोर्ट की थोड़ा सा एयरपोर्ट दिखा देता हूँ, फिर होटल चलूँगा, फिर बाद में फुर्सत में सुबह बताऊँगा आप लोगों को सारी कहानी। ये देखो, सबसे पहले तो ये है यहाँ का एयरपोर्ट, वो देखो कायरो इंटरनेशनल एयरपोर्ट।
गुड आफ्टरनून गाइज, वेलकम टू इजिप्ट। और अभी मैं हूँ इजिप्ट की कैपिटल कायरो में। यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा, मैं 2:30-2 बजे में एयरपोर्ट पहुँच गया था। फिर वहाँ से इमिग्रेशन वगैरह क्लियर किया। रात में इतनी थकान थी भाई, वीडियो बनाने की हिम्मत नहीं होती। मतलब कल शाम 6 बजे से मतलब सुबह से ही निकला था ये। मान लो सुबह 9 बजे मैं जयपुर से निकला, तो 9 बजे निकलने के बाद फिर बस ली, फिर दिल्ली आया, फिर वहाँ से फ्लाइट ली, फिर शारजा में ले और फिर शारजा से कायरो। तो ऐसी लंबी चौड़ी जर्नी थी हमारी। तो अब थोड़ा सा यहाँ का इमिग्रेशन का बता देता हूँ। भाई साहब कुछ भी नहीं मांग रहे, कुछ भी नहीं पूछते, एक क्वेश्चन तक नहीं पूछा। बंदे को मैंने पासपोर्ट दिया, बंदे ने सील लगा के दे दी। मुश्किल से 30 सेकंड का काम था। और वो चौंचड़े वो इंडिया में ही करते हैं, वो इमिग्रेशन वाले और एयरलाइन वाले वही करते हैं चौंचड़े। बाकी यहाँ पे कुछ नहीं। यहाँ पे मैंने अभी सस्ता सा हॉस्टल लिया है, 400 रुपये का, 5 घंटा 40, 400 रुपये का मेरा हॉस्टल है यहाँ पे। अभी मैं जहाँ पे ठहरा हूँ वो दिखा देता हूँ। बाकी अभी मैं डाउन टाउन में ठहरा हूँ, फिर थोड़ा खाने पीने जाऊँगा। ये देखो भाई, ये है इजिप्ट की पहली झलक। ये पुराना डाउनटाउन है, डाउनटाउन पुराना ओल्ड सिटी दिखेगा आप लोगों को। बिल्कुल ये सारी बिल्डिंग्स हैं आपको ऐसे दिखेगी, बिल्कुल मड की बिल्डिंग्स है भाई, बिल्कुल सारी की सारी। ये देखो यहाँ की रोड वगैरह कुछ ऐसी है और बिल्डिंग मस्त है भाई, है ना। ये देखो सारी की सारी पुरानी बिल्डिंग्स देखने को मिलेगी यहाँ पे। अच्छा है लेकिन मुझे अभी तक अच्छा लगा। बाकी ये है कि इजिप्ट ना सेफ है भाई, स्कैम वगैरह तो अगर होते ही रहते हैं यहाँ पे, उसी के लिए तो ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है भाई। ये मेरा हॉस्टल है, नॉर्मल सा 4 डॉर्मेट्री बेडरूम। ये है भाई मुझे ये वाला मेरा, मैं यहाँ पे ठहरा हूँ। 400 रुपये का पड़ा मुझे। ये भाई साहब है जो अपना सामान वगैरह इकट्ठा कर रहे हैं। नॉर्मल सा है भाई, कुछ भी ज़्यादा फैसिलिटीज़ वगैरह कुछ भी अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। ये मेरा बैग है, इसी बैग के साथ मैं ट्रेवल कर रहा हूँ। तो अब मैं सुबह से कुछ नहीं खाया, यहाँ पे टाइम हो गया 12 बज गए। तो अभी मैं खाने पीने चलता हूँ भाई, चूहे दौड़ रहे हैं वैसे तो। और एयर अरेबिया वालों की एक खालिस्तानी बताता हूँ यार आप लोगों को। दिल्ली से जो शारजा के लिए फ्लाइट था ना, उसमें उन लोगों ने खाना नहीं दिया। और शारजा से जो कायरो के लिए फ्लाइट था भाई, उसमें जबरदस्त खाना दे रहे हैं। मतलब ये देखो, मुंह देख के तिलक निकालने वाली बात हो गई। मतलब इंडिया वालों को समझते ही नहीं है यार, हद हो गई ये तो भाई। तो भाई अब हम लोग आ गए हमारी हॉस्टल से नीचे। ये देखो यहाँ की सड़कें वगैरह कुछ ऐसी है। और अभी मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ खाऊंगा पीऊंगा, फिर यहाँ पे शाम को 4 बजे मार्केट वगैरह तो है, शाम को 4 बजे लगते हैं, तो वो तो मैं शाम को ही दिखा पाऊंगा। अभी देखता हूँ यहाँ पे मुझे मिल जाना चाहिए। बाकी ये स्ट्रीट देख के ऐसे लग रहा है कि मिल जाएगा। अभी ये वाली जो जगह है मैंने आपको ऊपर से दिखाई थी, कितनी पुरानी बिल्डिंग से यार। ये हमारे वो जयपुर में है ना, हवा महल साइड का एरिया है ना, वैसा लग रहा है मुझे पूरा का पूरा। कितना सुकून, कितना पीसफुल एनवायरमेंट है यहाँ का। बाकी इजिप्ट आप लोगों को बता दो, पूरा टूरिस्टिक है और पूरा स्कैमर से भरा पड़ा है। ऐसा यहाँ पे स्कैम सुना है मैंने, अभी तक मैंने कुछ ऐसा फेस नहीं किया। मैं आज शाम को निकलूंगा, फिर उसके बाद मेरा एक्सपीरियंस बताऊंगा। मैं पहले जज कर लूँ, मैंने लोगों से सुना है। तो अभी तो थोड़ा सा चलते हैं भाई। देखिए सामने गलियों में घूम रहे हैं, खाने पीने के लिए मैं कुछ देख रहा हूँ, मुझे कुछ खाने पीने के लिए मिल जाए यहाँ पे तो ठीक है, सबसे बढ़िया। यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट वगैरह दिख तो रहे हैं लेकिन मुझे कोई खास अच्छे नहीं लग रहे। ये शायद बैठने के लिए डाल रखा है या हकीकत में रेस्टोरेंट्स है, मुझे अभी कोई भी आइडिया नहीं है। तो थोड़ा सा देखते हैं, आइए चलते हैं। सामने मेन रोड है ना, मुझे सामने मेन रोड दिख रहा है, वहाँ से शायद मुझे कुछ खाने पीने के लिए अच्छा खासा मिल जाएगा, रेस्टोरेंट वगैरह। वैसे रेस्टोरेंट वगैरह यहाँ भी है लेकिन यहाँ पे लोग हुक्का वगैरह पी रहे हैं शायद, यहाँ पे एंजॉय करने के लिए। रेस्टोरेंट नहीं है भाई ये, हुक्का वगैरह पीने के लिए आते हैं लोग यहाँ पे। अब मैं आ गया हूँ जो यहाँ की मेन सड़क है, डाउनटाउन एरिया है। वैसे मैं डाउनटाउन में ही हूँ लेकिन डाउनटाउन का जो मेन मार्केट है, जो मेन चौराहा है, वो ये है। भाई फिर एक्सप्लोर कल से, जो कल है ना, कल मैं जाऊंगा गीजा पिरामिड्स को घूमने। तो कल से हम लोग इजिप्ट को एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे। बाकी अभी तो नॉर्मली बस यूं ही। तो भाई अभी यहाँ से मैंने खरीदा एक पानी का बोतल, ये है 1.5 लीटर पानी का बोतल, जो मुझे पड़ा है 6 इजिप्शियन पाउंड। 6 इजिप्शियन पाउंड मतलब हो गया 15 इंडियन रुपीज। तो यार 1.5 लीटर का पानी का बोतल भाई 15 रुपए में, मेरे समझ में नहीं आया इतना सस्ता कैसे हो सकता है यार। वो भी टूरिस्ट से मात्र 15 रुपए चार्ज किया इन लोगों ने। खैर देखते हैं, जो भी है वो तो आगे देखते जाएंगे। अभी यहाँ पे जो मैं मनी एक्सचेंज करवा रहा हूँ वो बस आने वाला है मेरे हिसाब से। काफी देर से इधर उधर भटक रहा हूँ भाई। ये देखो यहाँ की गलियाँ कुछ ऐसी है इजिप्ट की कायरो की। यहाँ पे आपको ऐसी बिल्डिंग्स वगैरह बहुत ज्यादा मिल जाएगी भाई,
बहुत ही ज्यादा मिल जाएगी। ये देखो यहाँ का ट्रैफिक वगैरह सब देखते दिखाते चलता हूँ आप लोगों को, बिल्डिंग्स वगैरह सब। अभी थोड़ा सा मैं ऐसे ही घूम रहा हूँ मार्केट में वगैरह। अभी तक का एक्सपीरियंस तो ठीक ही रहा है, बाकी आगे देखते जाते हैं क्या क्या होते जाता है। लेकिन इजिप्ट को एक्सप्लोर करने में आएगा मजा भाई। स्कैमर्स हैं नो डाउट, वो हर जगह होते हैं, इंडिया में भी है, लेकिन यहाँ पे बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए। सही लिटरली बता रहा हूँ, बहुत कुछ है यहाँ पे। तो भाई यहाँ से मैंने मनी एक्सचेंज करवा लिया है, $200 मैंने चेंज करवाए, $200 का मुझे मिले 6170 इजिप्शियन पाउंड। और इंडियन करेंसी की बात करें तो एक इजिप्शियन पाउंड में होते हैं ₹2.64। इजिप्शियन पाउंड भाई साहब थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यहाँ पे अभी थोड़ा सा वही यहाँ की इकोनॉमी भी वही बदला है जैसे पाकिस्तान श्रीलंका की है ना, वैसा ही हाल कुछ यहाँ की इकोनॉमी का है हाल फिलहाल। तो आप करेंसी एक्सचेंज हो गया, अब नेक्स्ट टारगेट है खाना। खाना यहाँ पे मुझे चिकन शोरमा दिखा, चिकन शोरमा खाते हैं एक बार। हेलो, तो भाई अभी तो चिकन बर्गर टाइप का कुछ ऑर्डर किया है, अभी समझ में नहीं आ रहा खाना क्या है यहाँ पे। एक्चुअली यहाँ पे खाने की अभी वैरायटी एक दो दिन लगेगा समझ में कि क्या क्या खाने के लिए है, उसके बाद खाना ढंग से ऑर्डर कर पाऊंगा। अभी ये खाता हूँ थोड़ा बहुत, तो कुछ और खाऊंगा। ये 92 रुपये का है भाई, 92 इंडियन रुपीज, 35 इजिप्शियन पाउंड का। टेस्ट ठीक है वैसे, टेस्ट ठीक ठाक है। तो मैं आ गया हूँ मेरे हॉस्टल में वापस। तो मैं थोड़ा सा यहाँ की करेंसी एक्सचेंज करवा के लाया हूँ, वो बता देता हूँ आप लोगों को। ये तो है 100 इजिप्शियन पाउंड, ये देख लो 100 इजिप्शियन पाउंड। यह है 50 इजिप्शियन पाउंड, इधर से आपको समझ में नहीं आएगा, इधर से देखो ये है 50 इजिप्शियन पाउंड। ये है 10 इजिप्शियन पाउंड, ये है 1 इजिप्शियन पाउंड, और जो हाईएस्ट है ना वो है 200 इजिप्शियन पाउंड। ये रहा 200 इजिप्शियन पाउंड का। ये देखो यहाँ की ये जो मम्मी वगैरह किस किस की फोटो यहाँ पे लगा रखी है इन लोगों ने, ये 200 इजिप्शियन पाउंड। तो जो अभी तक हाईएस्ट नोट मेरे को देखने को मिला है वो है भाई साहब 200 इजिप्शियन पाउंड। 200 इजिप्शियन पाउंड से मुझे बड़ा नोट अभी तक देखने को नहीं मिला है, मिलेगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा फिर बाद में। तो अभी तो मैं थोड़ा सा करूंगा रेस्ट और फिर शाम को यहाँ ये मार्केट वगैरह घूमने निकलूंगा। ये देखो इतना पैसा मैंने अभी मैं करवा के लाया, 6000 इजिप्शियन पाउंड लेके आया हूँ अभी। ये देख लो भाई साहब 6000, $200 दिए मैंने, 6170 इजिप्शियन पाउंड मिला था मेरे को। सो गाइज अभी यहाँ पे टाइम हो गया है शाम का 5:15 हो गया है, और अब टाइम है निकलने का यहाँ की मार्केट वगैरह देखने का। तो चलते हैं थोड़ा सा मार्केट वगैरह देखते हैं, थोड़ा सा नहीं पूरा ही देखेंगे। और फिर आज का दिन यही है, सुबह आके पहुंचे और लोकल मार्केट वगैरह एक्सप्लोर करो और बस सो जाओ, आज का यही है। तो चलते हैं अभी मार्केट वगैरह एक्सप्लोर करने यहाँ के। खैल खलीली। सो आई कैन गेट टैक्सी इजीली फ्रॉम आउटसाइड, राइट? ओके ओके, मार्केट का नाम ना बहुत अजीब गरीब सा नाम है, मतलब उस मार्केट का नाम मुझे अभी भी खैल खलीली। तो अभी चलते हैं यहाँ का फेमस मार्केट बताते हैं। ये भाई है जो यहीं पे काम करता है, अंधेरा हो गया बाहर चल के बात करता हूँ। ये मेरा हॉस्टल है यार, ये बिल्डिंग्स बहुत पुरानी पुरानी सी बिल्डिंग्स है। मेरे हॉस्टल के बाहर का व्यू कुछ ऐसा, यहाँ पे काफी भीड़ भड़ाका है यार। अब यहाँ पे पार्टी वार्टी हो रही है, लोग एंजॉय कर रहे हैं, मुझे पता ही नहीं था दिन में यहाँ पे ऐसे भी होता है। सुबह आया तब तो यहाँ पे कचरा पट्टी पड़ी थी, और अब एकदम साफ करके ना इन लोगों ने पार्टी वार्टी कर रहे हैं भाई साहब यहाँ पे। तो अभी चलते हैं हम लोग यहाँ पे खैल खलीली मार्केट को घूमने। हेलो, यहाँ पे ये वाला सिस्टम बड़ा है यार, यहाँ पे हर मतलब मार्केट में ना रोड पे वगैरह ये ऐसे चेयर वगैरह डाल के रखते हैं, हुक्का वगैरह, चाय वगैरह, कॉफी वगैरह। ये अब मतलब सुबह नहीं था, दिन में नहीं था इतना, लेकिन शाम को ना ये बहुत ज्यादा है भाई। वैसे इजिप्ट की फ्रीडम के बारे में बात करें ना, तो भाई साहब 1922 में इसको ब्रिटेन से फ्रीडम मिला था, लेकिन 1956 तक ना ब्रिटेन यहाँ से गया नहीं था। और यहाँ की पॉपुलेशन की बात करें तो लगभग 10 करोड़ पॉपुलेशन है। ये माहौल देख के आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ के लोग अच्छा खासा एंजॉय करते होंगे, बढ़िया हुक्का वगैरह लगा रखे हैं। वैसे मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पे ड्रिंक वगैरह अल्कोहल वगैरह का इतना प्रचलन होगा, लेकिन हुक्का वगैरह काफी अच्छा एंजॉय करते हैं ये लोग। यहाँ पे सबसे पहले तो जूस वगैरह पीते हैं, जैसे गन्ने का जूस वगैरह किस हिसाब से देते हैं, एक गन्ने का जूस लेते हैं तो 10 पाउंड का, 10 इजिप्शियन पाउंड का एक गन्ने का जूस देते हैं। एवोकाडो जूस 40 पाउंड, इजिप्शियन पाउंड में बता रहे हैं ये, एक इजिप्शियन पाउंड में होता है ₹2.64। वैसे शुगर केन जूस का टेस्ट ना बढ़िया है, इन्होंने ना ही तो ज्यादा वो बर्फ वगैरह आइस वगैरह डाल रखी है, और
ठीक ठाक ठंडा है लेकिन टेस्ट अच्छा है। तो भाई ये टैक्सी है, टैक्सी वाले से बात करता हूँ, देखिए कितना चार्ज करता है टैक्सी वाला। खैल खलील 3 किलोमीटर है। खैल खलील, हाँ नो दिस दिस ओके 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 ओके। बोला भाई मैं खैल खलील नहीं जा रहा, मैं गलत, तुम लोगों ने गलत साइड में जाते हुए को पकड़ लिया, खैल खलील दूसरी साइड से जाएगा। तो भाई ये देखो, ये मैं कोई दूसरे सर्कल के पास में आ गया हूँ यहाँ पे। अभी मैं पैदल ही जा रहा हूँ, मुझे कोई टैक्सी वगैरह मिला नहीं। वो एक भाई मिला था, वो बोला भाई मैं किसी दूसरी जगह जा रहा हूँ। तो यहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह देखो यार, कितनी पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स है यार। कायरो दो पार्ट में बटा है, एक पुराना कायरो और एक नया कायरो। तो हम लोग एक्सप्लोर करेंगे दोनों ही कायरोज को। तो भाई यहाँ से मैं जा रहा हूँ टैक्सी लेके खैल खलीली मार्केट को, वो है यहाँ से 3 किलोमीटर, लगभग 3 किलोमीटर है। और उसका मैं पे कर रहा हूँ 30 इजिप्शियन पाउंड। 30 इजिप्शियन पाउंड होते हैं लगभग 30 से 60 और लगभग 75 इंडियन रुपीज के, लगभग 75-80 इंडियन रुपीज के लगभग होता है। तो गाइज हम लोग पहुंच गए हैं जो खैल खलीली मार्केट है वहां पे। अभी तो यहां पे मैं मेन रोड पे ही हूँ। यहाँ से ये देखो, ये बिल्डिंग्स वगैरह देख लो आप लोग। तो यहाँ पे सारा का सारा आर्किटेक्चर है ना भाई, वो एक तो यूनिक है। और पूरी ये पूरी बिल्डिंग्स ना बिल्कुल ओल्ड मिलेगी आप लोगों को। ये देख लो, ये सारी की सारी बिल्डिंग्स ओल्ड है। और ये जो खैल खलीली मार्केट है ना, वो आपको सामने देखो, जूम करके बताता हूँ। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं उस साइड कहाँ से जाऊँगा, ये सारा इन लोगों ने लगा रखा है। अच्छा वहाँ से लोग निकल तो रहे हैं यार, एक बार निकलते हैं वहाँ से। वहां से लोग निकल रहे हैं बीच में से। सॉरी यस आई एम अ यूट्यूबर, या यूट्यूबर, या इजिप्ट इज गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आई विल स्टे हियर फॉर 20 डेज। यस आई विल, आई लुक लाइक इजिप्शियन। थैंक यू। तो ये है भाई मार्केट। अभी आपने उस बंदे को देखा, वो मुझे बोल रहा था कि आप ना इजिप्शियन की तरह दिखते हैं। आपको हर कोई यही बोलेगा, आप इंडियन नहीं दिखते, आप इजिप्शियन दिखते हैं। तो वो आपको बस थोड़ी सी फंसाने की वो ट्रिक होती है भाई। ये मार्केट वगैरह यहाँ पे काफ़ी सोनियर्स वगैरह, यहाँ की लोकल हैंडमेड चीज़ें वगैरह काफ़ी कुछ मिल जाएगा भाई, आप लोग लेना चाहते हैं तो। अभी मैं थोड़ी देर पहले उधर था, आप लोगों को उधर वाला वो खैल खलीली मार्केट वो दिखा रहा था। तो उधर मैं थोड़ा सा अंदर गया, तो मुझे अंदर को इतना खास ज्यादा लगा नहीं, तो मैंने सोचा थोड़ा सा इधर चलते हैं दूसरी साइड में। और ये देखो कायरो ट्रैफिक इधर ज्यादा है यार। वाव यार, यहाँ के सोनियर्स देखो भाई, एक नंबर। ऐसा मार्केट आप लोगों ने कहीं नहीं देखा, मैंने कहीं नहीं देखे इतने ज्यादा सोविनर्स एक जगह, इतने ज्यादा ये इस टाइप के मालाएं वगैरह। तो ये काफी इंटरेस्टिंग मार्केट है। यहाँ पे मुझे अभी वो एक पुलिस वाला भी था, पुलिस वाले ने बोला भाई पुलिस को रिकॉर्ड नहीं करना। मैंने बोला यार मैं मार्केट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुझे क्या ही करना पुलिस को रिकॉर्ड करके। ये देखो ये यहाँ के लोकल कपड़े वगैरह। नो इट्स ओके। वो लेडीज मुझे बोल रही है कपड़े ले ले भाई, मैं क्या करूंगा यार उनका। मैंने सोचा इजिप्ट आया हूँ तो यहाँ ये मार्केट वगैरह दिखाना। शाहरुख खान सलमान खान। तो भाई ये देखो यार ये मार्केट, क्या भीड़ है भाई यहाँ पे। या दिस लुकिंग वेरी नाइस। या लेटर फर्स्ट आई वांट टू रिकॉर्ड दिस मार्केट, आई विल कम बैक। ओके वेलकम बैक। ओ भाई ना मेरे को फंसाने में था। मैंने बोला भाई मैं घूम फिर के आता हूँ, फिर वापस आऊंगा ना तब खरीदूंगा तेरे से। भाई मार्केट की भीड़ देखो आप तो। खैल खलीली मार्केट नाम याद रख लेना भाई, खैल खलीली मार्केट। ये बंदा क्या बेच रहा है, ये क्या भाई, ये ऐसी ना उज्बेकिस्तान में इस टाइप की, इस कलर की वो हुआ करती थी ब्रेड वगैरह हुआ करती थी उज्बेकिस्तान में। हेलो हाउ आर यू ब्रदर? आई एम गुड ब्रदर। आई एम फ्रॉम इंडिया। यस आई एम फ्रॉम इंडिया। नमस्ते मस्त है। या लेटर आई विल कम बैक लेटर, आई वांट टू रिकॉर्ड, जस्ट रिकॉर्डिंग मार्केट। या
ऐसे तो अपने इंडिया में भी होते हैं जी, अपने में बहुत देखा है, ऐसे टूरिस्ट वगैरह आते हैं उनको थोड़ा सा इसका वगैरह होते हैं, काफ़ी होते हैं भाई, और टूरिस्ट कई टूरिस्ट है जो ट्रिप में फंस भी जाते हैं। तो आप लोग यदि दुकान में जाओगे तो कई कई बार क्या होता है कि आप लोग मना नहीं कर पाते यार, मैं मना कर देता हूँ, नहीं बैठ रहा तो सीधा मना कर देता हूँ भाई। ये देखो नो इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके। ये भाई साहब बोल रहे हैं कि आप लोग ना अंदर से फोटो ले सकते हैं, तो थोड़ा सा एक बार आपको इनकी दुकान की फोटो दिखाई देता हूँ भाई। यहाँ पे देखो इनके सो ओ वाव, काफी अच्छी खासी इन्होंने बर्तन वगैरह बना रखे हैं। या इंडिया इंडिया, आई एम फ्रॉम इंडिया, या थैंक यू हाय, या या लेटर लेटर, जस्ट आई एम रिकॉर्डिंग, लेटर आई विल कम बैक, आई एम फ्रॉम इंडिया। नमस्ते नमस्ते, इंडिया इंडिया, नमस्ते, बट देर इज नो रेन, आई राइड दिस इन नाइल रिवर, नाइल रिवर, वॉट इज ओ वाव वेरी नाइस, 100% कॉटन, ओके वेरी नाइस भाई साहब। ये इन भाई साहब की शॉप, आप लोग कभी आते हैं तो यहाँ से खरीद सकते हैं, ओके स्पेशल डिस्काउंट फॉर इंडियन, 50%, ओके वाव थैंक यू ब्रदर, माय नेम इज कैलास, एनीवन कम से कैलास, 50% डिस्काउंट, ओके ओके श्योर ब्रो, ओके थैंक यू, ओके बाय बाय, सी यू। भाई साहब 50% डिस्काउंट है, जो भी आपके साथ धोखाधड़ी होगी ना, जो भी स्कैम होगा उसमें आप लोगों को 50% डिस्काउंट देंगे, आप लोग आ जाना। भाई साहब बहुत फेमस है भाई, बहुत फेमस है, इतने मीठे मीठे बोलेंगे ना आप लोगों को, हर कोई बोलेगा हे ब्रदर आर यू फ्रॉम इंडिया, इंडिया यस फ्रॉम इंडिया। देखो मैं कह ही रहा था, व्हाट इज दिस, दिस परफ्यूम, परफ्यूम नो इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके, आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग, आई विल कम बैक। यहाँ की देखो लोकल सोवेनियर से, ये पिरामिड वगैरह है, पिरामिड में कल घूमने जाऊंगा, यही है। आप लोग एक बार फंस गए ना, ये कितना ही कुछ बोल ले, लेकिन आप लोगों को ध्यान नहीं देना, इग्नोर करते रहना। ये एक ऐसी कंट्री है, यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे लोगों को इग्नोर करना पड़ेगा, हर जगह इग्नोर करना पड़ेगा। और ये देखो भाई मैं आ गया हूँ इस मार्केट के दूसरे साइड में, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, इधर इन गलियों में चलते हैं, बस थोड़ा सा काफी हो गया, मार्केट काफी लंबा चौड़ा बड़ा मार्केट है यार। हेलो भाई, यहाँ तो और भी पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स आती जा रही है भाई, इजिप्ट की देखो, खैल खलीली मार्केट, भाई ये क्या है यार, ये बिल्डिंग्स कितनी पुरानी होगी आप लोग अंदाजा लगा सकते हो, ये और फिर भी डह नहीं रहे, ऐसी जर्जर अवस्था में नहीं है, और ये ज्यादातर है ना इनमें पत्थर लगाए गए हैं और मड है बस, और कुछ नहीं है भाई। भाई मजा आ गया वैसे मार्केट को घूम के तो। तो आप लोगों को खैल खलीली मार्केट कैसा लग रहा है भाई, बताओ आप लोग, मुझे तो काफी मजा आ रहा है, मतलब मैं पहली बार ऐसी कंट्री में विजिट कर रहा हूँ ना, ये कितनी पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स है यार, आप लोग अंदाजा ही नहीं लगा सकते भाई, इतनी पुरानी बिल्डिंग्स है और ऐसे केवल मड और पत्थरों से बनाई गई ये बिल्डिंग्स, आप देखो ये कहाँ आ गए। अब यहाँ पे केवल लोग बैठे हैं, घूम रहे हैं, यहाँ पे मार्केट कम है, बस लंबी चौड़ी एक गली चल रही है आगे, और कुछ नहीं है इधर, है ना, शॉप्स वगैरह कम है इस मार्केट में यहाँ पे। अच्छा ये मुझे लगता है कुछ घूमने की जगह है यार, अभी उसको बंद कर रखा है, लोग है जो यहाँ पे बस केवल फोटो वगैरह क्लिक कर रहे हैं, बाकी ऐसा और कुछ है नहीं यहाँ पे। अब मैं इस मार्केट से बाहर निकल के आ गया हूँ, ये देखो ये मेन रोड पे आ गए हम लोग, और अब होपफुली मैं यहाँ से थोड़ी देर और रुकूंगा, और फिर यहाँ से मैं वापस से डाउनटाउन की तरफ जाऊंगा, एक बार रोड देख लो यार, वहां से चले आ रहे हैं हम लोग। और ये देखो अभी मैं वो जो मार्केट घूम के वापस मैं जा रहा हूँ, वहां से 2 किलोमीटर था, तो मैं पैदल पैदल ही जा रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं 2 किलोमीटर पैदल पैदल चला जाऊंगा, और कुछ चीजें हैं उनको भी देखता हुआ चला जाऊंगा। तो मुझे यहाँ पे कुछ मार्केट वगैरह और दिखे हैं, ये बिल्डिंग्स वगैरह ये देखो, और यहाँ पे देखो कितना कंजेस्टेड एरिया है भाई, बहुत ज्यादा कंजेस्टेड कर रखा है इन लोगों ने। इतना लंबा रोड और इतना कंजेस्टेड रोड मैंने मेरी लाइफ में पहली बार देखा यार,
भाई बहुत दूरी से चलता आ रहा हूँ मैं, कोई आधा एक किलोमीटर हो गया, इतना कंजेस्टेड है, इतना बहुत हद से ज्यादा कंजेस्टेड है। आप लोग देखो यार ये मार्केट देखो, क्या मार्केट है या कुछ वो है यार, ये सही में बता रहा हूँ पहली बार देख रहा हूँ ऐसा मार्केट इतना कंजेस्टेड। ऊपर बल्कि एक वो बना रखा है, उसके नीचे से गाड़ियाँ जा रही है, ऊपर से गाड़ियाँ जा रही है, फिर भी इतना ट्रैफिक जाम, इतना कंजेस्टेड। यहाँ पे आने के बाद थोड़ी सी वो मिली है, राहत मिली है यार। ये देखो भाई वो उधर से चला रहा हूँ, कितना कंजेस्टेड मार्केट था। मैंने सोचा यार पैदल पैदल जाऊंगा ना तो मैं कुछ देखूंगा, कुछ चीजें देखूंगा। तो गाइस अब इस वीडियो को खत्म करने का टाइम आ गया। आई होप ये जो इजिप्ट का पहला वीडियो था इजिप्ट सीरीज का, ये आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं फिर किसी एक वीडियो में बहुत जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।